हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं और एग्जाम है मेरा फाइनल ईयर का, पढ़ता हूँ वही मैं थोड़ा बहुत। तो वो दिन जा रहा हूँ, मैं निकल चुका हूँ, अभी हो रहे हैं 7:15। मैं निकल गया था 7:15 के आसपास, पेट्रोल वगैरह डलाया और अब जा रहा हूँ। मेरा सेंटर पड़ा है नोएडा के आसपास कहीं पे, महाराज अग्रसेन कॉलेज के अंदर, वहाँ पे सेंटर पड़ा है। तो दिखाते हैं आपको आगे चलते हुए और उसके बाद दिखाते हैं क्या हम करते हैं, क्या करते हैं पूरा दिखाऊंगा मैं आपको इस व्लॉग के अंदर, ठीक है? तो कनेक्टेड रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नारायणा यार, पर पता नहीं ना रश बहुत रहने लग गया, रहता ही है हमेशा यार। तो इस चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है हमेशा ही, पहले निकलने की कोशिश करता हूँ बट फिर भी धीरे धीरे निकलते निकलते आधा एक घंटा हो जाता फालतू का मेरे को, कोई नहीं। बट अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, मेरा एग्ज़ाम वैसे भी 9 बजे, अभी तो बजे ही 7:15 है, बहुत टाइम है। 15-20 मिनट, आधा घंटे के आसपास लगेगा मेरे को पहुंचने में, आपको वहाँ पहुंच के दिखाता हूँ। तो यार मैं पहुंच चुका था सेंटर पे, होगी मेरे को 15-20 मिनट के आसपास हो गए, मैं पहुंच गया था यार, क्योंकि कंफ्यूज हो रहा था रास्ता ना, बार बार घूम रहा था, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ यार, पढ़ा नहीं है मैंने अभी इतना कुछ ज़्यादा, कल से स्टार्ट करी है मैंने पढ़ाई वैसे भी, देखते हैं दिखाता हूँ आपको। अभी जाता हूँ मैं कॉलेज के अंदर, ये देखो कॉलेज के बच्चे, महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। तो भाई भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे वैसे भी, ये देखो बाकी बच्चे, ये रहे कुछ इधर है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं भी आपको अंदर जाओ। यार वैसे ना मैं भूल गया था कि यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है, पर फिर ना अभी एक भाई जा रहा था, वो भी यूट्यूबर ही था, तो पूरा व्लॉग बनाता जा रहा था कि पेपर देने जा रहे हैं वैक्स वेड। तो मैंने कहा चलो यार मेरा भी तो इनकम्प्लीट था, फिर मैंने बना दिया। दिखाता हूँ मैं आपको आगे, अंदर जाकर पेपर देता हूँ, राम भरोसे श्याम भरोसे, क्योंकि इतना कोई खास आता नहीं है। अभी आदित्य और साहिल वगैरह से भी बात करी थी, तो उनका तो यार बहुत ही पास पड़ा, घर के पीछे पड़ा एक तरीके से कह सकते हो आप, मेरा नोएडा पड़ा इतनी दूर। चलो कोई नहीं, चार दिन की तो बात है, देख लेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको शायद यार यहाँ से ना कालका जी मंदिर भी जाऊँगा एग्ज़ाम देने के बाद, सैटरडे आज, क्योंकि दिखाते हैं आपको, अगर गया तो मैं पक्का दिखाऊँगा, कोशिश है पूरी की जाऊँ। यार ना एक और चीज़ याद है मेरे को, ये दिखाना भूल गया, देखो मैंने इतना लिखा है, क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग समथिंग कुछ करके क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन भी याद नहीं है पूरा, तो भी ये नहीं आता यार मेरे को बिल्कुल भी। तो इसलिए हाथ पे लिख लो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 8-9 पॉइंट है, कोई नहीं कुछ तो करेंगे। बस आ रहा है यार, मतलब जितने भी तक मैंने पेपर देखे उन सब में तो है, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है, दिखाते हैं आपको आगे। उन्हें देखो वहाँ पर लग रही है लिस्ट, भाई इतनी भीड़ में मारा मारी कर रहे हैं ये, तुम्हारा भाई वोटर रीच के लिए आया, ठीक है आराम से देखा, थर्ड फ्लोर पर पड़ा एक तो वैसे आगे इनमें लिफ्ट नहीं होगी और इतनी ऊपर तक चढ़वाएंगे, पेपर तो देना यार, पेपर नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा, कोई नहीं दिखाते हैं आपको पेपर देते हुए आगे का काम। गाड़ी ऑफ कर दिया, अब ये उठा रहा हूँ यार मेरे वो हैं एडमिट कार्ड वगैरह, आई कार्ड, अरे हो जाए छोटा ये, हाँ ये उठाए अपने फ़ोन दोनों और अब चल पड़े। दिखा दिया एंट्री हो चुकी है, अरे अंदर दिखाता हूं। तो भाई साहब ये कॉलेज देखा मैंने, लिफ्ट विफ्ट लगा रखी है फुल बढ़िया, मेरे को लगा लिफ्ट तो होगी नहीं भाई, किसी कॉलेज में नहीं देखी, पहली बार देखी लिफ्ट लगा रखे। मेरा सेंटर था थर्ड, मतलब मेरा क्लासरूम था थर्ड फ्लोर पे 335 रूम नंबर में, अब आपको दिखाता हूँ इसके आगे क्लास में जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि शर्म आती है बीच में ना करने में। दिखाता हूँ भाई ये देख लो थर्ड फ्लोर पर आ चुका हूँ, देखो बहुत बढ़िया बना रखा है सच में भाई, नो डाउट मेरा था यार 335 रूम नंबर, मैं गलती से ना कम में जा रहा था, मैं वापस इधर मुड़ चुका हूँ। ये वाटर कूलर वगैरह लगा रखा है एंड फुल महंगा कॉलेज बना रखा है ये वाला, दिखाते हैं यार। गुड बैठा है बेगामती में, ये रहा भाई मेरा क्लास रूम 335, दिखाता हूँ। तो मैं पहुँच चुका क्लास रूम में भाई, ठीक है बच्चे बैठे हुए हैं, शेयर लॉग क्लास रूम पूरा, ये भाई सब सही लिख रखा है यार, गर्मी बहुत हो रही है, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सबसे ऊपर का फ्लोर हो रहा है बेंच। हाँ तो यार मैं पेपर देकर निकल चुका हूँ भाई, पता नहीं क्या देकर आया हूँ, बस दे आया, वेट कर रहा हूँ लिफ्ट का, थक गए यार भूख लग रही है, देखते हैं क्या होता है, दिखाता हूँ आपको आगे आगे। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ है, लिफ्ट आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों की लिफ्ट भी तो भैंस की आँख, अल्लाह की दुनिया जैसी है, ऐसा लगता है बंद हो जाएगी तो खुलेगी भी नहीं कभी जिंदगी में पर कोई नहीं, बैठ तो गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है यार, अब बैठ गए तो बैठ गए, दिक्कत है।
लीली के साथ यही यही लगा दो गेट पे ही। लो जी हम पहुंच गए कालका जी मंदिर, दिखाते हैं आपको, गाड़ी पार्क कर लेते पहले। ये हाँ तो पार्क कर दिया है, अब हम निकलते हैं कालका जी मंदिर के लिए, दिखाता हूँ आपको आगे। निकल पड़े हैं भाई हम पैदल पैदल पैदल, बड़ी हमारी गाड़ी, दिखाता हूँ आपको। बहुत लंबी लाइन है कालका जी के अंदर, तो डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे, इस चक्कर में मैं नहीं जा रहा, बाहर जुड़ जाता हूँ। हिम्मत नहीं हो रही भाई पर अंदर जाने की, इतनी भीड़ कम से कम भाई बहुत हजारों लोग खड़े हैं लाइन में, तो इस चक्कर में प्लान ड्रॉप करते किसी और दिन आएंगे यार, देखते हैं। बहुत गर्मी, वापस जा रहा हूँ। यहाँ से ये है मंदिर, यहाँ से मतलब मंदिर तो अभी बहुत अंदर है, यहाँ से कम आधा किलोमीटर अंदर होगा। मैं गया था भाई पूरा अंदर तक, पर कोई फायदा नहीं था, डायरेक्ट जाकर भी भाई वापस भेज दिया लोगों ने मेरे को, कोई नहीं आया। किसी और दिन आऊँगा यार, जिस दिन ना मतलब कि ट्यूजडे वेडनेसडे के करीब ऐसे आऊँगा। ये देखो भाई पूरी लाइन देखना, अब आप लोग देखो भाई, एक से चिपक के एक खड़ा, तब भी क्या कहते हैं बहुत दूर तक है लाइन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं वो पार्किंग वाला कह रहा कि भैया कम से कम भी इन लोगों का नंबर 5-6 बजे से पहले का तो आ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लेंगे भाई। यहाँ देखो ये बीच में इधर लाइन टूट गई, और ये कांगी यहाँ से लाइन है यहाँ तक भाई, घोड़े खुल जाएंगे भगवान की कसम। हिम्मत नहीं भाई मेरी इतनी जाने की, इस चक्कर में मैं वापस आ गया ना। इधर ये लोटस टेम्पल चल रहा है, मतलब मैं चल रहा हूँ, मेरे इधर लोटस टेम्पल है कहीं पे। अरे रुक जा यार, उड़ेगा क्या। हाँ तो भाई ना लोटस टेम्पल तो जाने का मन ही नहीं है, वैसे भी क्या ही देखना उसका इस चक्कर में। अब चलते हैं हम घर की तरफ, भूख भी लग रही है यार, कुछ खाया नहीं सुबह से। चलिए दिखाता हूँ। तो यार मैं घर आके सो गया था, खाना वाना खा के भाई, इस चक्कर में बहुत थक गया था, रात भर सोया नहीं था मैं, ठीक है। अब उठाऊँ, अब देखते हैं यार, शायद रात को कहीं बाहर जाएंगे, सैटरडे आज। बाकी दिखाते हैं आपको, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, बहुत जल्द आएगा यार, कोशिश है। रुक गया थोड़ा ना, डिले हो जाता मेरे व्लॉग्स ना, समझ नहीं आता अभी, स्टार्टिंग है ना, समझ नहीं आता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, तो दिखाते हैं आपको, ठीक है। आगे टिल देन बाय, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दिखाओ अपना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, बाय बाय।